सबसे पहले मेरा आज का संदेश भारत की उन बेटियों के लिए, उन बहुओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जो अपने पर्स में, अपने बटुए में लिपस्टिक या काजल रखती हैं। हे मेरी बहन, हे भारत की बेटी, तू लिपस्टिक काजल रख, वो तेरा हक है। लेकिन अब भारत पहले जैसा नहीं रहा। ये सरकार वो नहीं है, संवेदनाशील सरकार में कुछ नहीं है, वो तुम्हारी सुरक्षा नहीं करेगी। इसीलिए तुम अपने बटुए में एक ब्लेड रखना। सामने वाला अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करे, तुम्हें छेड़खानी करे, तो वही इस साले को ढेर कर देना। क्योंकि अगर तुम न्याय के लिए भीख मांगोगी ना, तो यहाँ न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ अन्याय मिलेगा। तुम्हारे साथ दुष्कर्म किया भी जाएगा और फिर बता दिया जाएगा कि कुछ हुआ ही नहीं था, और चुपचाप तुम्हारे परिवार की गैर मौजूदगी में तुम्हारी लाश को जला भी दिया जाएगा। वो अंग्रेज किया करते थे, है ना? अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले यही सब करेंगे ना। ये सरकार तो वही है। हा? क्यों स्मृति ईरानी गाड़ी से क्यों नहीं उतरी? गैस का बाटला के लिए तो पूरे मतलब बिछ गई थी रोडों पे। हाँ, बिल्कुल, जो एकदम से तड़प रही थी दाम बढ़ने से। और यहाँ बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, लेकिन यहाँ महारानी उतरी नहीं गाड़ी से। हाँ, ऐशो आराम चाहिए ना। चूड़ियां भेजने वाली खुद चूड़ियां किसके नाम की पहन के बैठ गई है, बेशरम औरत कहीं की। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? मैंने पहले ही कहा कि जितने भाजपा में है और भाजपा की जितनी भी नेत्रियां है, उनकी बेटियां नहीं है, उनकी बेटियां नहीं है। इस सरकार खुद बेऔलाद है, ये क्या समझेगी दर्द और तकलीफ? योगी आदित्यनाथ बाबा भगवा पहना है। अरे भगवा पहनने का मतलब ही होता है कि मोह माया से उठ गए हो आप, संसार से कोई मतलब नहीं है आपको, भगवान की पूजा में ही आपको रस है। लेकिन यहां कौन सी राजनीति कर रहे हो, ये क्या मतलब होता है? भगवा पहनने के बाद भी राजनीति से मोह माया जा नहीं रही है बाबा की। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कपड़े फाड़ोगे तुम लोग, नोचोगे, गिराबान में हाथ रखोगे तुम लोग? हाँ, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बिक गई ये सरकार, बिक गई। अब ये तस्वीर बदलनी चाहिए। एक ऐसा कानून आना चाहिए, इस कानून का नाम भी फुलन फैसला रखना चाहिए। एक ऐसा फैसला होना चाहिए तुरंत, ऑन द स्पॉट, एक दो दिन में ही फैसला। जो भी गुनहगार है, जो भी अपराधी है, उनको इस तरह से लटका दिया जाए, नीचे आग लगा दी जाए, छलनी छलनी कर दिया जाए सालों को, तब डर बैठेगा, तब डर बैठेगा, तब डर बैठेगा। भीड़ में साला कोई सोच रहा होगा ना कि कल रात को परसों फलाने की बेटी को छेड़ूंगा, दलित की बेटी को छेड़ूंगा, उसको छेड़ूंगा, कोई मुझे कुछ नहीं करेगा, वो साला डर जाएगा अंजाम देखकर। मैं तो पहले से ही चिल्ला रही हूं कि बिल्कुल फैसला कीजिए ऑन द स्पॉट, तुरंत, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला भारत का। इस तरह बिगड़ता जा रहा है हमारा भारत। आपकी आवाज